बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आर स्टूडेंट्स, होपिंग यू ऑल सेफ एंड डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रफीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन मुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर कंटिन्यूइंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। By this you all will clear your lectures. You see your lectures again and again and clear your topics. In case of any question, you can ask question in your groups and you will answer. Students, आज का हमारा lecture pharmaceutics first year के chapter 2, that is history of pharmacy with special reference to contribution of Muslim scientists in pharmacy. पर मुश्तमिल होगा आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 2 का ये पार्ट फर्स्ट होगा। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब अबाउट जाबिर बिन हयान, कि जाबिर बिन हयान के बारे में बताइए। जाबिर बिन हयान कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी बाबा कीमिया भी कहा जाता है। इन हिज अर्ली डेज ही प्रैक्टिस मेडिसन, उसने इब्तदाई दिनों में मेडिसन में प्रैक्टिस की। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहला साइंसदान था, हु हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लेबोरेटरी, जिसकी एक मुनज्जम लेबोरेटरी थी, एक ऑर्गेनाइज्ड लेबोरेटरी थी। ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, वो पहला शख्स था जिसने फर्स्ट टाइम ये जो प्रैक्टिकल है उसकी अहमियत को केमिस्ट्री में मुतारिफ करवाया, और यही चीज़ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद बनी। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबॉरटरी इक्विपमेंट्स, उसने 20 से ज़्यादा लेबॉरटरी में जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो इन्वेंट किए, ईजाद किए। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, उसने सबसे पहले डिस्टिलाइजेशन को और क्रिस्टलाइजेशन को बयान किया, यानी अमले तकसीद और अमले कलमाओं को बयान किया। ही वाज वेल अवेयर ऑफ मैनी साइंटिफिक टेक्निक्स, और वो बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक से वाकिफ था। मिसाल के तौर पर क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, कैल्सिनेशन है, सब्लिमेशन है, एवेपोरेशन है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन तमाम टेक्निक्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स के डेवलपमेंट के बारे में वो वाकिफ था। ही आल्सो न्यू द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टील मेकिंग डाइज, और इसके अलावा वो स्टील मेकिंग डाई की तैयारी के तरीके से भी वाकिफ था। ही डिस्कवर्ड मैनी केमिकल सब्सटेंसेज, उसने बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज दरियाफ्त किए, मिसाल के तौर पर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एस्टिक एसिड। तो ये वो केमिकल्स हैं जो उसने डिस्कवर किए। ही आल्सो डिवेलप एक्वारीजन टू डिजॉल्व गोल्ड, उसने एक्वारीजिया को भी डिवेलप किया, एक्वारीजिया तैयार किया जो सोने को अपने अंदर हल कर लेता है, तो उसे हम एक्वारीजिया आबे सुल्तानी कहते हैं। एक्वारीजिया में उसने 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड मिलाया और एक्वारीजिया तैयार किया। हिज फेमस बुक्स आर किताब अलकीमिया एंड किताब अल सैबीन, तो उसकी जो मशहूर तसानीफ हैं वो किताब अलकीमिया और किताब अल सैबीन हैं। सो दिस वाज अबाउट जाबिर बिन हयान। तो इसमें जो डिफरेंट एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं कि उसने लेबॉरेटरी में कितने आलात बनाए, 20 आलात उसने इन्वेंट किए, इसके अलावा कौन सी टेक्निक से वो वाकिफ था, तो डिफरेंट टेक्निक्स जो यहाँ पे बताई गई हैं कि क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, कैल्सिनेशन है, सब्लिमेशन है, एवेपोरेशन है, तो इन टेक्निक्स के बारे में वो वाकिफ था। इसके अलावा स्टील मेकिंग डाई की तैयारी के तरीके से भी वो खूब वाकिफ था, और जो केमिकल्स उसने डिस्कवर किए उनमें यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स कोड किए हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड की हैं, और एक्वारीजिया भी उसने डेवलप किया। और एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि उसकी जो फेमस बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो किताब अलकीमिया और किताब अल सैबीन, ये उसकी मशहूर तसानीफ हैं।
नेक्स्ट वही नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब अबाउट अबू बकर मोहम्मद इब्ने जकरिया अर राजी। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ही वाज बॉर्न एट रे ईरान, ईरान के इलाके रे में पैदा हुआ। ही वाज आल्सो एन एक्सपर्ट सर्जन एंड द फर्स्ट टू यूज द ओपियम फॉर एनेस्थीजिया। वो एक माहिर सर्जन था और उसने सबसे पहले ओपियम यानी खशखाश को एनेस्थीजिया के लिए तौर पर इस्तेमाल किया। ही ओरिजिनेटेड अ ट्रीटमेंट फॉर किडनी एंड ब्लेडर स्टोन्स, और उसने किडनी और ब्लेडर में जो स्टोन होते हैं उसके इलाज के लिए भी उसने सबसे पहले वजाहत की। ही रोट ओवर 200 बुक्स, उसने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, इंक्लूडिंग किताब अल मंसूरी, अल हवाए जिसके 20 वॉल्यूम्स हैं, किताब अल मलूकी और इसके साथ किताब अल जुदारी अवा अल हिसाबा। तो ये वो मशहूर तसानीफ़ हैं जो अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़करिया अर राज़ी की हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, एक मशहूर तसानीफ जो हैं इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इसके अलावा वो कहाँ पे पैदा हुआ ये भी एमसीक्यूज डेवलप हो सकता है। और एनेस्थीजिया के लिए सबसे पहले उसने क्या इसने यूज़ किया, यानी ओपियम का उसने इस्तेमाल किया फॉर एनेस्थीजिया, तो ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट अल-किंदी। अल-किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम फिलासफर साइंटिस्ट फिजिशियन एंड फिजियोलॉजिस्ट। अल-किंदी जो एक मुसलमान फिलासफर भी था, साइंटिस्ट भी था, फिजिशियन भी था और साइकोलॉजिस्ट भी था। हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड, और उसके जो नुमाया काम हैं, अल-किंदी वाज फर्स्ट पर्सन हु यूज म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल-किंदी पहला साइंटिस्ट था जिसने म्यूज़िक को नफसियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंस एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स। और उसने बहुत सी साइंस की ब्रांचेज हैं जिनमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, तो उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसन है, साइकोलॉजी और कॉस्मेटिक्स हैं। He described the isolation process of alcohol to form a pure wine, खालिस शराब बनाने के लिए उसने जो isolation process है उसकी वजाहत की कि alcohol से किस तरह प्योर वाइन तैयार किया जा सकता है। He described in detail regarding cosmetic formulation, और cosmetic की बहुत सारी formulations के बारे में भी उसने बताया। He described the epilepsy, और उसने epilepsy के बारे में भी बयान किया, उसने epilepsy के बारे में भी बताया। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम्स, और उसने ये भी बताया कि परफ्यूम्स किस तरह तैयार किए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट अल-किंदी। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट इब्न ज़ुहर। इब्न ज़ुहर कौन था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर है इब्न ज़ुहर वाज द ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड सर्जन। इब्न ज़ुहर जो है ये एक मुसलमान स्कॉलर भी था, फिजिशियन भी था, फार्मासिस्ट भी था और सर्जन भी था। और उसके जो नुमाया काम है वो ये हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, पहला शख्स था जिसने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को बयान किया। सो ही वाज बीइंग कंसीडर्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट सर्जरी, और यही वजह है कि उसको एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का फादर कहा जाता है। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन, और उसने सबसे पहले डाइसेक्शन के तरीकाकार को बयान किया। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट न्यूरोफार्माकोलॉजी, और उसने न्यूरोफार्माकोलॉजी के हवाले से जो है एक नुमाया काम किया। न्यूरोफार्माकोलॉजी यानी जो नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके हवाले से जो मेडिसन जो है, जो मेडिसन स्टडी की जाती हैं तो उसे हम न्यूरोफार्माकोलॉजी कहते हैं। तो उसने न्यूरोफार्माकोलॉजी पर एक रिमार्केबल यानी एक नुमाया, एक काबिले जिक्र काम किया। इब्न ज़ुहर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इनहेल्ड एनेस्थीजिया, इसके लिए इब्न ज़ुहर पहला शख्स था जिसने इनहेल्ड एनेस्थीजिया के बारे में बताया। सो ही वाज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीजियालॉजी, इसलिए उसको मॉडर्न एनेस्थीजियालॉजी का बानी कहा जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट अबुल कासिम अज़हरवी। अबुल कासिम अज़हरवी के बारे में आप क्या जानते हैं? ही वाज द बॉर्न इन ज़हरा, वो ज़हरा में पैदा किया
पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसे जहर भी कहा जाता है। ही इज़ नोन एज द अबुल कैसिस इन यूरोप, यूरोप में उसे अबुल कैसिस के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ सर्जन एंड अ फिजिशियन, वो एक सर्जन था और एक फिजिशियन था। ही आल्सो यूज सिल्क थ्रेड फॉर स्यूइंग वाउंड्स, और उसने सबसे पहले जख्म्स को सीने के लिए सिल्क के थ्रेड का इस्तेमाल किया, यानी रेशम के धागे का इस्तेमाल किया। हिज फेमस बुक्स वाज अल तशरीफ, उसकी मशहूर किताब जो थी अल तशरीफ, जिसके 30 वॉल्यूम्स थे, जिसमें उसने सर्जिकल फैक्ट्स, ड्राइंग ऑफ 200 सर्जिकल टूल्स, इसके अलावा वेरियस मेडिसिन की तैयारी के बारे में भी बताया। सो दिस वाज अबाउट अबुल कासिम अज़हरवी, जो के जहर में पैदा हुआ, जिसकी वजह से जहरवी कहा जाता है, और यूरोप के अंदर उसे अबुल कैसिस के नाम से जाना जाता है। वो एक ग्रेट सर्जन और फिजिशियन था, और उसने सबसे पहले जख्मों को सीने के लिए रेशम के धागे का इस्तेमाल किया, और उसकी फेमस बुक है अल तशरीह। सो दिस वाज अबाउट अबुल कासिम अज़हरवी। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम एमसीक्यूज, हु डेवलप्ड एक्वारिजिया टू डिसॉल्व गुड, सबसे पहले किसने एक्वारिजिया को, जिसको हम अब सुल्तानी कहते हैं, डिवेलप किया, जाबिर बिन हयान, अलकिंदी, जक्रिया राजी या ऑल, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा जाबिर बिन हयान। दूसरा एमसीक्यू का हमारे पास, किताब अल जुदारी व अल हिसाबा इज रिटन बाई, ये बुक जो है किसकी तसनीफ है, जाबिर बिन हयान की, अलकिंदी की, जक्रिया राजी की, डी ऑप्शन है ऑल, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा जक्रिया अल राजी, तो ये उसकी मशहूर बुक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एपिलेप्सी वाज डिस्क्राइब बाय, एपिलेप्सी को सबसे पहले किसने बयान किया, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, तो ये मिर्गी की बीमारी को सबसे पहले किसने बयान किया, किसने इस पर वजाहत की, ऑप्शन ए है जाबिर बिन हयान, ऑप्शन बी है अलकिंदी, ऑप्शन सी है जक्रिया राजी, और डी ऑप्शन है ऑल, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा अलकिंदी, ऑप्शन बी दुरुस्त है, जिसने सबसे पहले एपिलेप्सी को बयान किया। फोर्थ एमसीक्यूज है, हु वाज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीजियालॉजी, हम किसको मॉडर्न एनेस्थीजियालॉजी का बानी कहते हैं, जाबिर बिन हयान, अलकिंदी, जक्रिया राजी या इब्न जोहर, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इब्न जोहर, जिसको हम मॉडर्न एनेस्थीजियालॉजी का बानी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अल तशरीफ इन 30 वॉल्यूम्स इन विच हु डिस्क्राइब सर्जिकल फैक्ट्स, ड्राइंग ऑफ 200 टूल सर्जिकल टूल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिसन, तो इसके ऑप्शन है जाबिर बिन हयान, अज़हरवी, ज़करिया अर्राज़ी, इब्न ज़ुहर, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा ज़हरवी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, हु मेड रिसर्च ऑन स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, के स्मॉल पॉक्स और मीजल पर किसने रिसर्च की, जाबिर बिन हयान, अज़हरवी, ज़करिया अर्राज़ी या इब्न ज़ुहर, तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा ज़करिया अर्राज़ी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट चैप्टर 2 हिस्ट्री विद रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पे डिस्कशन की। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू विल बी आंसर्ड। थैंक यू वेरी मच।